इंद्र से रांची में हो रहा तीसरा टेस्ट, क्या मैच देखने पहुंचेंगे महेंद्र सिंह धोनी। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच शनिवार से रांची में खेला जाना है। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन का मैदान इसकी मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तीसरे टेस्ट मैच से पहले जहां भारतीय टीम ने गुरुवार को अभ्यास में जमकर पसीना बहाया, तो बड़ी मात्रा में फैंस अपने चहेते खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन भी देखने आए। फैंस और मीडिया की निगाहें अपने सबसे पसंदीदा क्रिकेटर्स महेंद्र सिंह धोनी को तलाश रही थी। भले ही माही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हो, लेकिन फैंस को उम्मीद थी कि वे भारतीय टीम से मिलने यहां जरूर आएंगे और सभी की जुबान पर यही सवाल था कि आखिर महेश धोनी है कहां? क्या वे मैच देखने यहां आएंगे? अब उन सभी चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। रिपोर्ट्स की माने तो कल से शुरू हो रहे टेस्ट मैच में धोनी स्टेडियम पहुँचने वाले हैं। इस बात की पुष्टि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन व उनके कोच ने भी की है। दरअसल झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने महेंद्र सिंह धोनी को तीसरे टेस्ट मैच में आने का आमंत्रण भेजा था, जिसे धोनी ने स्वीकार किया है। ऐसे में धोनी के स्टेडियम आने से इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि मैदान में दर्शकों की संख्या में काफी इजाफा होगा। वैसे भी ZSCA इस मैच के लिए बिकने वाली टिकटों से नाखुश है। मैच के दो दिन पहले तक 3,900 की क्षमता वाले इस स्टेडियम की सिर्फ 1,500 टिकट ही बिक पाई थी। गौरतलब है कि टीम इंडिया के ICC विश्व कप 2019 से बाहर होने के बाद से धोनी ने क्रिकेट से किनारा कर लिया है। उन्होंने वेस्ट इंडीज दौरे पर जाने की बजाय अपनी बटालियन के साथ आर्मी ट्रेनिंग के लिए जाना उचित समझा था। कई क्रिकेट पंडितों और दिग्गजों का मानना है कि अब शायद ही धोनी वापस आए वो किसी भी समय संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। BCCI के नए अध्यक्ष बनने जा रहे सौरभ गांगुली ने भी हाल ही यह कहा, जब मैं सिलेक्टर्स से 24 अक्टूबर को मिलूंगा तो मैं भी इस सवाल का जवाब उनसे मांगूंगा कि वे धोनी को लेकर क्या सोच रहे हैं। 24 अक्टूबर को भारतीय चयनकर्ता बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन करेंगे।